हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और अगर आप लोग को कमेंट सेक्शन में मेरी डीपी लगाकर कोई भी व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है कमेंट व्हाट्सएप करें, तो गाइस वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं पर्सनल रीडिंग वो नहीं देती हूँ। ओके, तो गाइस चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं गाइस क्या आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, ताकि आपको पहले से ही गाइडेंस मिल जाए और आप उस चीज के लिए रेडी रहें। ठीक है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को यू नो टैकल करने के लिए। सो देखते हैं, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स डेफिनेटली, ऑल टाइड अप, द थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट, विक्ट्री, एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, बॉटम से यिन एंड यांग की एनर्जी। ओके, देखिए गाइस, यहां पर जो सबसे बड़े बदलाव आपके लिए हो रहे हैं, सबसे पहले तो गाइस आप अपनी यू नो सक्सेस को अचीव कर रहे हो। यहां पर आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने लगातार बहुत मेहनत करी है, अभी तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए आप आ रहे हो अपने करियर पर। ठीक है, अपने यू नो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्टेंट दिखा रहा है कि आप अभी तक की अपनी लाइफ में आपने हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर किया है। ठीक है, आप मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक स्टेबल थे अपनी लाइफ में। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि मनी आपकी जिंदगी में आ रहा है। जो भी अभी तक आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम किया है और जो भी आपने सीखा है, ठीक है, बेसिकली जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे थे, ठीक है, वहां पर मैं ये देख रही हूँ कि आप मनी को अट्रैक्ट करो, पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है, विक्ट्री आ रही है। आप फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे, या फिर यू नो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ भी जिस चीज के लिए भी आप हार्डवर्क कर रहे थे गाइज, वहां पर मुझे विक्ट्री नजर आ रही है। और जो भी आपकी यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसमें मैं ये देख रही हूँ कि अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, अब आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपको आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सबसे बड़ा चेंज है। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोग यहाँ पर हमेशा ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, यानी कि पास से आपकी एनर्जीज अभी तक इस तरीके से रही हैं कि आप करते तो हो काम, लेकिन बंधा हुआ महसूस करते हो, यानी कि आप कोई भी काम करने जाते हो या अपनी लाइफ में आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आपको हमेशा फील होता है कि आप बंधे हुए हो। ठीक है, आपको हर चीज इस तरीके से फील होती है कि आप भाग नहीं सकते, आपको किसी ने जकड़ लिया है, बांध लिया है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सो गाइज, ये चीज ऐसा है कि ये चीज अगर आपको लगता है कि आप बांधे, कोई आपको बांध रहा है, तो ये आपकी अटैचमेंट है जो आपको बांध रही है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोग अब इस अटैचमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। अटैचमेंट को खत्म करने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि अगर उनकी अटैचमेंट खत्म हो रही है तो वो जिस भी पर्सन के लिए काफी ज्यादा
हमेशा से उनके लिए डेडिकेटेड रहे हैं या लव करते हैं उनको भूल जाएंगे। अटैचमेंट खत्म करने का मतलब है कि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि वो आपकी खुशियों को पूरा करें या वो आपके लिए कुछ करें, ठीक है। अटैचमेंट कम करने का मतलब ये होता है जब आप एक्सपेक्टेशंस को कम कर देते हो, तो मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि आप एक्सपेक्टेशन को कम कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपको औरों से बांध रही है। आप जब तक एक्सपेक्ट करते रहेंगे लोगों के साथ कि वो आकर आपको खुश रखेंगे, आपकी जिंदगी हैपनिंग करेंगे, तब तक आप इसी तरीके से बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो आप बेसिकली लोगों से नहीं बंधे हुए, अपनी सोच से बंधे हुए हो और आप अपनी सोच को फ्री कर रहे हो। ये आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप अपनी सोच से अपने आप को फ्री कर लेंगे कि आपके अलावा आपको कोई खुश नहीं रख सकता है, अटैचमेंट सिर्फ आपके दुख का कारण है, ठीक है। जो भी काम आप करते हैं उससे बहुत ज्यादा अटैच मत होइए, ठीक है। काम करिए लेकिन उनसे ज्यादा अटैचमेंट बुरी है, क्योंकि अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन को जन्म देती है और एक्सपेक्टेशन अगर कोई तोड़ता है तो तकलीफ होती है। तो ना एक्सपेक्टेशन होगी ना तकलीफ होगी। यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्योंकि आप किसी काउंटर पार्ट के साथ भी यहां पर डील कर रहे हैं, तो आपके लव लाइफ के लिए मैसेज है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो ये भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट भी यहां पर बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो आपके पर्सन मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो ये पर्सन भी हार्डवर्क कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जीज है पूरी तरीके से सिमिलर है। एक यहाँ पर ये यांग यही दिखा रहे कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है। आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो आपके पर्सन की एनर्जीज में भी शिफ्ट आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप करियर पर फोकस हो तो ये पर्सन भी करियर पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मुझे विक्ट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो बहुत अच्छी हो रही है। यहां पर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो थिंकिंग मैन के लिए मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने की जरूरत है, या फिर आर्कएंजल कैम्यूल आने वाले समय में आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील कर रहे हैं। थर्ड चक्र आपका हील हो रहा है और ये चक्र आपका हील होगा तो डेफिनेटली आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। जो आप इस लेवल की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं इससे आप बच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्थ भी काफी अफेक्ट हो रही है। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कितनी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग रहे हैं, ठीक है। या तो आपका सर दर्द होने लगता है या फिर आपको बहुत लो फील होता है, आपको ऐसा लगता है एनर्जी नहीं बची कोई काम करने के लिए। ये इसीलिए क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि सारी एनर्जी उसी में वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो आप चाहे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। ये चीजें मुझे यहां से नजर आ रही है। हालांकि गाइज आप एक ट्विन के साथ यहां पर डील कर रहे हैं तो आपको यहां पर इनर वर्क करने की जरूरत है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अपने ऊपर काम करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपको बहुत मीठा रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि मैं विक्ट्री देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। आपका जो कनेक्शन है गाइस वो भी मुझे हील हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें ही मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका कनेक्शन भी हील हो रहा है आपके काउंटर पार्ट के साथ। जिस तरीके से आप हील हो रहे हो, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, आपकी हर आपके लाइफ के हर एरिया में स्टेबिलिटी आ रही है, ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं गाइस। लेट्स सी मोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का भाव तो होना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही है जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इम्पेशेंस, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं इम्पेशेंस हैं। पूरे कार्ड्स निकालते हैं, देखिए अबंडेंस आ रही है, जैसे मैंने बोला था ना कि फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है आपकी। रिकवरी, बैलेंस निकल रहा था मेरे मुंह से, सो सकता है बैलेंस भी आए। फॉरगिवनेस, सेल्फ वर्थ, ब्यूटिफुल एनर्जी, इम्पार्शियलिटी, वैनिटी, परसिवेरेंस एंड रिलीज। बॉटम से गाइज मिरेकल की एनर्जी, माय गॉड कितने गजब के कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। देखिए गाइज आपकी लाइफ में जो बड़े बड़े बदलाव हैं उनमें से पहला बदलाव तो यही है कि आप पूरी तरीके से यहां पर हील हो रहे हैं, ठीक है। ये पहला मैसेज आपके लिए है, क्योंकि जब आप फॉरगिव करेंगे लोगों को तो आप रिलीज करेंगे लोगों को, ठीक है।
फॉरगिवनेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, जब तक आप उन लोगों से रिवेंज के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक आप अपनी एनर्जीज को दूसरों की दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगाते हो और आपकी एनर्जीज ड्रेन होती हैं गाइज। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी है, आप अगर फॉरगिव कर देंगे तो आप ब्लॉकेजेस अपने लाइफ के हटा पाएंगे। ठीक है, फॉरगिव कर दीजिए ऐसे लोगों के, रिवेंज अपने मन में मत रखिए, या फिर उनके लिए किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को आप सेंड ना करिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप फॉरगिवनेस की एनर्जी से रिलीज करते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोग मुझे फॉरगिवनेस की ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव ही है एक तरीके से, कि आप इतना बैलेंस कर पा रहे हो खुद को। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ गाइस कि रिकवरी हो रही है आपकी, जैसे मैंने कहा ना, हील हो रहे हो आप। जहां जहां पे आपको चोट लगी है वहां पर प्रॉपर हीलिंग आपको मिल रही है, और ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट बहुत जबरदस्त मिल रहा है आपको। यहां पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो एक जो नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है कि प्राउड नहीं आना चाहिए, अबंडेंस आए बट प्राइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर किसी भी तरीके का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने कर लिया। ठीक है, हर चीज के लिए ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में अबंडेंस देख रही हूँ। और मैंने नीचे भी बोला था कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है गाइस। मनी आ रहा है, सक्सेस आपकी जिंदगी में आ रहा है, विक्ट्री आपकी जिंदगी में आ रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है गाइस कि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हो लोगों को माफ करके। ठीक है, यहां पर इम्पेशेंस का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आप कुछ चीज को पाना चाहते हो लेकिन आप उसके लिए धैर्य नहीं बना पा रहे, जबकि आपको करना ये है कि आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, यानी कि आपको अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, लेकिन आपका ध्यान आपकी लाइफ पर ना होकर किसी एक ऐसी चीज पर है जिसको आप पाना चाहते हो, लेकिन आपके लिए आपके मन में उस चीज के लिए धैर्य नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। जबकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर श्योरिटी दे रहे हैं कि सही समय पर वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, वो आप ही की है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप उनको समझना नहीं चाहते। आप अपने मन की करने की कोशिश कर रहे हो और आप इम्पेशेंस हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गाइज, अगर किसी की भी एनर्जी प्राइड वाली है या इम्पेशेंस वाली है, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर निगेटिव दिखाई दे रहा है गाइज, इसको रिलीज करिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, और ये चीजें आपकी एनर्जीज को इतना स्ट्रांग बनाएंगी कि लोग अट्रैक्ट होंगे, चीजें अट्रैक्ट होंगी। जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप मैग्नेट होंगे, वो चीज आकर आपसे अट्रैक्ट होगी। ट्रस्ट मी गाइज, ये काम करता है। इसलिए जो लोग भी इम्पेशेंस हो रहे हैं, सब तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इम्पार्शियलिटी की एनर्जी में, कुछ लोग अपनी ही लाइफ पर फोकस है, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इम्पेशेंस हो रहे हैं आने वाले समय में भी। ठीक है, आने वाले समय में भी आप इम्पेशेंस हो रहे हो, तो ये अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ हासिल नहीं करेंगे गाइज। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इम्पेशेंस होकर कोई मतलब नहीं है, चीज आपको तभी मिलेगी जो भी आप पाना चाहते हो, जब उसका सही समय होगा। एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर है, तो मैं ये देख रही हूँ कि अपने आप को प्रूफ करने के बाद सेल्फ वर्थ को भी आप अचीव कर रहे हो, और ये मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहा है। परफेक्शन का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए निकल कर आए। मुझे ऐसा लगता है आने वाली लाइफ में आपने एक टफ फेज को यहाँ पर खत्म कर लिया है, और अब आने वाली जिंदगी आपकी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से आपकी लाइफ का ये समझ लीजिए कि अच्छा समय शुरू हो रहा है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हैं मिरेकल, सेल्फ वर्थ, अबंडेंस, कितने ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, सी। चलिए गाइस, अभी हम टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। यहाँ पर गाइज एक मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी, एक्सपेक्टेड नहीं होगी गाइज, अनएक्सपेक्टेड वे में मिरेकल होगा गाइज। सेल्फ वर्थ आपने अचीव करी ली, अबंडेंस आएगी, अब बारी है एक मिरेकल की। ब्यूटिफुल एनर्जीज, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, और क्या मेरी व्यूअर्स की लाइफ में बदलाव आने वाला है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सेवन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से गाइस सन की एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। यहां पर गाइस देखिए ओवरऑल तो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी रीडिंग में, जितनी भी नेगेटिविटी थी बॉटम से सन ने सब कुछ पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, यहां पर दो तीन चीजें थी जो काफी ज्यादा नेगेटिव थी। एक तो पहले ऐसा है गाइस के आप किस बात की कंफ्यूजन में, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कंफ्यूजन में या शादी की बात को लेकर आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, ऐसा मुझे यहां पर नजर आ रहा है। या तो गाइज ऐसा है कि आपकी फैमिली वाले अब आपसे कह रहे हैं कि शादी कीजिए, ठीक है, किसी एक अच्छे रिश्ते को चूज कीजिए और उसके साथ आगे बढ़ जाइए, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं शादी के लिए, लेकिन आपको आपके दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं है या आप कंफ्यूजन में मुझे नजर आ रहे हो आने वाले समय में। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से चाहते हो कि वो आपको ऑफर करे, ठीक है, लेकिन आपको अभी फिलहाल उस पर्सन की तरफ से ऑफर नहीं मिल रहा है और इस वजह से आप काफी ज्यादा डरे हुए हो क्योंकि आप किसी और के पास नहीं जाना चाहते या फिर शादी के लिए आप किसी और को सेलेक्ट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है आने वाले समय में गाइस, ठीक है, और ये आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है कि या तो आप खुद का स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि बहुत सारे लोगों का गुड लक यहां पर स्टार्ट हो रहा है। आप अपने लिए यहां पर बहुत जबरदस्त स्टैंड लेने वाले हो, आप वही करने वाले हो जो आप करना चाहते हो क्योंकि मैं देख रही हूं कि क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है आने वाले समय में। जब ये जो फॉर्च्यून है आपके फेवर में होगा गाइस तो आपकी जो माइंड की क्लैरिटी है वो भी वापस आ जाएगी और आप डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है आपको बहुत ज्यादा, या तो आप अपनी मैरिड लाइफ से ही कंफ्यूज हैं या फिर आपके पास रिश्ते इतने ज्यादा आ रहे हैं, आपको इतने रिश्ते इतने ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो। सो क्लैरिटी आ रही है सबसे पहली चीज, और डर से आप बाहर जा रहे हो क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, उसी से वो ऑफर चाहते हो और वो शायद अभी वो ऑफर आपको दे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आप रातों में जाग रहे हो। ठीक है, और आप अपने कामों को भी सही टाइम पर कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप टारगेट सेट करते हो उस टारगेट के हिसाब से आप कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका जो आपने जो सोचा है कि मैं इतना काम करूंगा उतना काम आप नहीं कर रहे हो, कामों में भी आपके डिले हो रहा है और आपको हमेशा एक ही बात का डर सताता रहता है कि वो पर्सन आपको ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, आपको किसी और के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए कि नहीं बढ़ जाना चाहिए, इन सारी चीजों की ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो। तो गाइज यहां पर थिंकिंग मैन का कार्ड नीचे से भी आया था, मैंने आपसे यही बोला था कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, सही समय पर सारी चीजें सेटल होंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप लव लाइफ में किसी का वेट कर रहे थे तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन थोड़े स्लो है गाइज लेकिन ये बड़ा चेंज होने वाला है क्योंकि सन बॉटम से है, तो कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है और आपकी लाइफ में आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि कोई कैसा इंसान है जो आपको लगातार बहुत स्टॉक कर रहा है और आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है आने वाले समय में। ठीक है, सो गाइज गुड लक आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है और आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है। यहां पर गाइज आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, सबसे पहले तो जो चीजें आपकी ठीक हो रही हैं वो आपकी लव लाइफ में हो रही हैं। कंफ्यूजन अगर आपको किसी बात की होती है गाइज तो मैं ये देख रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, तो आप अभी भी अगर फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये गाइज बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी है, इससे बाहर आ जाइए क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि उनके पर्सन का क्या होगा उनके साथ। ठीक है, और इस बात का डर उनको जीने नहीं दे रहा है, चैन की सुकून की सांसें नहीं आ रही हैं। आप ट्रस्ट योर डिवाइन टाइमिंग गाइज, इसमें आप कुछ मत करिए, लेट गो कर दीजिए। ठीक है, सरेंडर कर दीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपनी डिवाइन टाइमिंग पे, ये चीजें डिवाइन टाइमिंग पर ही सही होंगी, आपके माइंड में क्लैरिटी भी आएगी और आप मैनिफेस्ट भी करेंगे। ठीक है, ये चीजें मुझे यहां से नजर आ रही हैं।
फिलहाल तो गाइज आपकी लाइफ में मुझे बड़े बदलाव के तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, सेल्फ वर्क आपके पास आ रहा है, मिरेकल आपके पास आ रहा है, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि गुड लक आपके पास आ रहा है। ओके सो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।